हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फैशन स्टूडियो। आज मैं आपको बेसिक नेकलाइन की कटिंग और स्टिचिंग सिखाऊंगी। इसके लिए मैंने ये फ्यूज पेपर लिया है। ये आपको किसी भी लोकल स्टोर से मिल जाएगा जहां आपको कटिंग और टेलरिंग का सामान मिलता है। तो सबसे पहले मैंने इस फ्यूज पेपर को 10 इंच चौड़ा इसको काट लिया है। बिल्कुल सीधा काट लिया है, 10 इंच चौड़ा। इसकी लंबाई से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इसको कितना भी लंबा ले सकते हैं। इस तरीके से मैंने इसको फोल्ड कर लिया। इसी पे हम अपना नेक काटेंगे। अब हम लोग 3 इंच चौड़ा और 7.5 इंच लंबा इस तरीके से एक बॉक्स बनाएंगे। इस तरीके से अब हमें जो भी डिजाइन ड्रॉ करना है वो इस बॉक्स के अंदर ही करना है। अब मुझे गोल गला चाहिए तो मैं इस तरीके से कर्व से मिला दूंगी इसको, इस तरीके से। अगर आपको फ्री हैंड कर्व बनाने में प्रॉब्लम होती है तो आप 1 इंच कॉर्नर से इस तरीके से अंदर को लें और फिर उससे ज्वाइन कर दें। और अगर फिर भी आपको प्रॉब्लम आए तो मार्केट में फ्रेंच कर्व के नाम से एक प्लास्टिक का कर्वी सा स्केल मिलता है, आप उसको ले लें और उससे भी आप गोलाई बना सकते हैं, पर मुझे ये तरीका सबसे ईजी लगता है। ये हमारा गोल गला रेडी है, अब हम इसको कट कर देंगे इस तरीके से। अब इसी लंबी पट्टी पे हम कितने भी गले काट सकते हैं। अब हम यहां से फिर से 3x7.5 इंच का एक स्क्वायर बनाएंगे, बॉक्स बनाएंगे, उसी के अंदर हम डिजाइन ड्रॉ करेंगे। मैंने इस लाइन को हाफ डिवाइड कर लिया है, 3.5 इंच मैंने कर लिया है अप्रोक्सीमेटली। अब मैं इसको सेंटर पॉइंट के साथ ज्वाइन करूंगी ताकि स्वीट हार्ट नेक की शेप आ जाए। ये देखिए, इस तरीके से स्वीट हार्ट नेक ड्रॉ होता है, पर मैं चाहती हूँ कि मेरा गला थोड़ा सा कर्वी हो, आगे से उसकी लाइन में कर्व हो थोड़ा सा। तो मैं इस लाइन को हाफ डिवाइड करूंगी, ये 4.5 से थोड़ी ज़्यादा है तो मैं तकरीबन 2.3 इंचेस लूँगी। इसको मैं 1/2 इंच ऊपर लूँगी और इस तरीके से इसको ज्वाइन कर देंगे। थोड़ा सा राउंड हम यहां से भी इसको दे देंगे। अब इसकी कटिंग कर देंगे। ये हमारा नेक रेडी है। ये दो शेप्स हमने रेडी कर ली हैं। अब ये एक फैब्रिक लेंगे जिसके ऊपर हमें गला बनाना है। इसको हम इस तरीके से प्लेस करेंगे और इसके ऊपर कपड़ा रखेंगे। इस फ्यूज पेपर की ग्लॉसी साइड ऊपर की तरफ रहेगी। ये देखिए, ग्लॉसी साइड है, इसको हम ऊपर की तरफ रखेंगे और इस पर प्रेस करेंगे। ये देखिए, गर्म प्रेस, बहुत ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए, बस इसको, ये देखिए, इस तरीके से चिपक जाएगा ये इसके ऊपर। इसी तरीके से हम गोल गले को भी हम इसी तरीके से बनाएंगे। ये देखिए, हमारा गोल गला भी चिपक चुका है, अब हम इसको ट्रिम कर देंगे। अब हमें जिस भी पल्ले के ऊपर, शर्ट के ऊपर जैसे अगर हमें गला बनाना है तो वो पल्ला ले लेंगे और ये जो नेक लाइन है इसका भी हम एक सेंटर पॉइंट बनाएंगे। हमने शर्ट का फ्रंट का भी सेंटर पॉइंट बना दिया है। ये नीचे भी हम एक ऐसे कट लगा देंगे जो कि सेंटर लाइन को डिफाइन करेगा।
अब हम सबसे पहले गले के साइड वाले कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से। इस तरीके से हम इसको पूरा फोल्ड कर लेंगे। अब हम इसको पल्ले के ऊपर रख के एक सेंटर में लाइन बनाएंगे ताकि इसकी प्लेसमेंट हिले नहीं गले की बिल्कुल भी, और इसी लाइन को हम ऊपर की तरफ ले जाएंगे स्टिच करते हुए। अब हम इसी लाइन से वापस नीचे को आएंगे स्टिच करते हुए और पूरा गुलाई में हम इस नेक को पल्ले के साथ स्टिच कर देंगे इस तरीके से। अब हम इसको अंदर से कटिंग कर देंगे, आधा आधा इंच ईज छोड़ के हम कटिंग करेंगे इसकी। अब इसको ट्रिम करेंगे, अंदर से कट लगाएंगे। और इसको पलट देंगे। अब हम इस पे टॉप स्टिच देंगे। टॉप स्टिच बहुत ही ज्यादा ध्यान से हमें देना होता है क्योंकि अगर टॉप स्टिच फिनिश ना हो तो हमारा गला बहुत ही खराब लगता है। अगर आपको लगता है कि आप सीधा टॉप स्टिच नहीं दे सकते तो आप टॉप स्टिच देना अवॉइड करें। यहाँ पर मैं एक कच्चा टांका लगाऊंगी जिसको मैं बाद में तुरपाई करके उधेड़ दूंगी। ये हमारा गला रेडी है। सेम टेक्निक से हम ये वाले गले को भी फोल्ड करेंगे। इसी तरीके से सेंटर में कट लगाएंगे। अगर आपको लगता है कि सेंटर लाइन की जरूरत है तो आप लगा लें। मुझे नहीं लगता कि मुझे जरूरत है, इसलिए मैं डायरेक्ट गले को साइड से ही स्टिच करना स्टार्ट कर रही हूँ। पर अगर आप बिगिनर हैं तो प्लीज जरूर लगाएं। सेंटर लाइन लगाने से गला हिलता नहीं है। अब ये जो कोना है यहां से हम बहुत अच्छे से 2-3 बार सिलाई दे के ही आगे बढ़ेंगे क्योंकि यूजुअली ऐसे गले जो आगे से पॉइंटेड होते हैं वो बहुत जल्दी उधर जाते हैं। इसको भी अंदर से कट करें और इस तरीके से इसको ट्रिम करें, अंदर से इसको अच्छे से कट्स लगा लें। अब इसको पलट के फिर से टॉप स्टिच हम देंगे। अब एक कच्चा टांका हम लगाएंगे जिसको हम तुरपाई करने के बाद उधेड़ देंगे। ये वाला नेक भी हमारा रेडी है। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक करें, कॉमेंट करें और सब्सक्राइब करें। Thank you. Bye-bye.